सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वृंदावन में एक संत थे, वो संत हर बात पर एक ही बात कहते थे, राम जी की कृपा से, राम जी की इच्छा से। बहुत विरक्त महापुरुष थे, पैसे इत्यादि छूते नहीं थे, वृंदावन में वास करते थे और भूख लगी तो कहते थे राम जी की इच्छा से भूख लगी है, रोटी मिल जाए, राम जी की इच्छा से रोटी मिल जाए तो अच्छा हो, प्यास लगी तो राम जी की इच्छा से, यमुना स्नान करने के लिए जाते तो यमुना जी की इच्छा, यानी राम जी की इच्छा, हर बात में राम जी की इच्छा। वर्ष भर वृंदावन में रहते थे, केवल दो चार दिन के लिए अयोध्या जाते थे, वही रामनवमी पे। पैसा छूते नहीं थे इसलिए ट्रेन में फ्रिज आया करते थे। तो एक बार ट्रेन में फ्रिज आ रहे थे तो मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई, बाबा जी को पकड़ करके मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया। अब मजिस्ट्रेट ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे थे, टिकट क्यों नहीं कटाया, क्या हुआ, क्या पैसा नहीं तुम्हारे पास, कहाँ जा रहे। तो बाबा जी ने कहना शुरू किया, और आप सुनना कितनी अद्भुत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहना शुरू किया, राम जी की कृपा से मैं वृंदावन वासी करता हूँ, राम जी की इच्छा से वर्ष में केवल एक बार अयोध्या वृंदावन से बाहर निकलता हूँ, रामनवमी पे अयोध्या जाता हूँ। राम जी की इच्छा से पैसा छूता नहीं हूँ, इसलिए राम जी की इच्छा से टिकट कटा नहीं पाया, राम जी की इच्छा से अयोध्या जाने के लिए ट्रेन में बैठा, राम जी की कृपा से ये काले कोट वाला बाबू मेरे पास आया, मेरे पास टिकट थी नहीं, राम जी की इच्छा से आपके सामने ला करके खड़ा किया है, अब आपकी जैसी इच्छा हो राम जी की इच्छा से आप वैसा ही करें। मजिस्ट्रेट थोड़ा सा चिंतनशील था, उसे बाबा की बातों में सत्यता नजर आई और मजिस्ट्रेट ने कहा, बाबा जब सब कुछ राम जी की इच्छा से हो रहा है तो मैं राम जी की इच्छा में बाधा क्यों बनूं। अपनी जेब से फाइन भरा मजिस्ट्रेट ने और बाबा जी को अयोध्या तक पहुंचाया। ये है भक्त की स्थिति। भक्त कहता है कि जो कुछ देने वाला है वो मेरा ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना यहां कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ भी करता है मेरा ईश्वर ही करता है। तो बैल एक बात ये कहता है कि मैं किसको कहूं कि कौन मुझे दुख देने वाला है, ज्ञानियों की दृष्टि से कहूं तो मैं स्वयं अपने सुख दुख का कारण हूं, ज्योतिष की दृष्टि से कहूं तो मेरा भाग्य मुझे दुख दे रहा है, कर्मयोगी की कहूं तो मेरा कर्म मुझे दुख दे रहा है, मैं किससे कहूं। परीक्षित समझ गए कि ये कष्ट देने वाले का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये धर्मात्मा पुरुष है। धर्मात्मा पुरुष कभी भी पाप करने वाले का विचार नाम लेता ही नहीं। यहां भागवत का सिद्धांत आप देखिएगा, भागवत में एक छोटा सा सिद्धांत है लेकिन बहुत गहरा सिद्धांत है। भागवत कहती है, भागवत का सिद्धांत कहता है, यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। किसी ने पाप किया है और आप यदि उस पाप की चर्चा करते हो तो जिस तरह से दंड उस पापी के लिए है आपके लिए भी वही दंड है। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब ये है कि पाप करने वाले व्यक्ति के पापों का चिंतन मत करना आप, उससे नुकसान क्या होगा। आप पाप करने वाले व्यक्ति के पापों का वर्णन कब करोगे, जब आप उसका चिंतन करोगे। चिंतन करने का मतलब है आपने अपने विचारों को अशुद्ध कर दिया, और यदि आपने अपने विचारों को अशुद्ध कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो पाप प्रवृत्ति आ ही जाएगी। पतंजलि मुनि ने लिखा है, हमारे ऋषियों का ये चिंतन है, पतंजलि मुनि कहते हैं, दोषो यह विद्यमानों पे तच्चित्तानाम प्रकाशते। आपके अंदर दोष नहीं है, आप निर्दोष हैं, लेकिन आप दोष वालों का चिंतन करते हैं तो चिंतन करने से वो दोष आप में भी आ जाते हैं, इसलिए दोष वालों का चिंतन मत करो।